हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का ही भाग है। पिछली वीडियो में हमने बाबर, उसके बाद हमने हुमायूं और शेरशाह सूरी को भी कवर कर लिया था, और उसके बाद अकबर के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये आपके जो सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री आती है, उनसे टॉपिक्स को लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर आपके यूपी पीएससी प्रीलिम्स और आरओ को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए, और जो भी देखिए उससे नीचे वन डे एग्जाम में होते हैं उसके लिए भी आपके इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। एंशंट हिस्ट्री पूरी कवर करा दी गई, मेडिवल हिस्ट्री भी आपको कवर कराई जा रही है। एक दो वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपके मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अकबर के बारे में बात करने वाले हैं। अकबर का शासनकाल की बात करें तो 1556 से 1605 में के बीच मध्य में था, और अकबर का जन्म 1542 में होता है, अमरकोट में राजा बीरसाल के यहाँ होता है, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु के समय से जो अकबर होता है सिकंदर सूर के अभियान में होता है, ठीक है। कहाँ था ये? कलनौर में था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और कलनौर में ही यहीं पर अकबर का आपके सिंहासन पर बैठा दिया जाता है 14 फरवरी 1556 को, वैलेंटाइन डे के दिन में 13 वर्ष की एज में बैठा दिया जाता है, और अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है। यूरोपीय चित्रकला प्रारंभ किसने की थी? तो ये आपको ध्यान देना है, पुर्तगाली पादरियों द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये दास्ता ए हमीर हमजा जो चित्र होता है, ये मीर सैयद अली द्वारा बनाए गए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे हैं उन्हें भी आपको नोट कर लेना है। जैसे भागवत पुराण जो है इसका टोडरमल ने अनुवाद कराया था, बीरबल की कविताएं जो है ये ब्रह्मा उपनाम से भी थी, और बीरबल को ही कवि प्रिय भी कहा जाता है, ठीक है, अकबर ने इसे कहा था। आर्थिक क्षेत्र में देखिए शेरशाह नीति को ही इसने अपनाया था, दो अधिकारी थे इसके, मुजफ्फर का टोडरमल, ये चीज आपको ध्यान देना है। आर्थिक क्षेत्र में आगे हम और अच्छे से इसे देखने वाले हैं। अभी बैरम खान किसको संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, 1556 से 1560 के मध्य में, क्योंकि अकबर उस समय छोटा था। और ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स बताइए, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बैरम खान की मुलाकात हुमायूं से कहाँ पर होती है, ये चीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए बैरम खां का ही पुत्र होता है अब्दुल रहीम खान ने खाना, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बैरम खां की जो मृत्यु होती है पाटन स्थान पर हो जाती है, और इसे किसने मारा था? तो मुबारक खान ने मारा था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 1560 से 1562 के मध्य में ये महामंगा के संरक्षण में रहता है, कौन? ये आपका अकबर रहता है। और इसी के समय जब 1560 के 62 को ही हम पेटीकोट सरकार भी कहते हैं, क्योंकि इसे एक लेडीज चला रही थी, अकबर केवल नाम मात्र का ही राजा था। प्रमुख नीतियों की बात कर लेते हैं। देखिए दास प्रथा को बैन किया था 1562 में, इनके आपको ईयर याद रखना है, ये मिलान करने में आ जाते हैं। तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर 1564 में, जबरन धर्म परिवर्तन 1565 में, सीकरी में इबादत खाना 1575 में, इबादत खाना को देखिए 1575 में खोला तो गया था मुसलमानों के लिए केवल, यानी इस्लाम धर्म के लिए, लेकिन इसे सबके लिए, सभी धर्मों के लिए 1578 में खोल दिया जाता है। मजहरनामा की बात करते हैं तो 1579 में, इसके बाद देखिए दीन इलाही की बात करते हैं तो 1582 में, इसको देखिए नवरत्न की बात कर लेते हैं, नवरत्न कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है इनमें से कौन सा शामिल नहीं, या इनमें से कौन सा, ऐसा आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान देना है। अबुल फजल थे, फैजी था, तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था, मानसिंह था, अब्दुल रहीम खान ने खाना, अजीहुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा था। मानसिंह ये आपका क्या कहते हैं, संबंधी होते हैं किसके? जोधा के, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अबुल फजल जो होता है इसने आईने अकबरी की रचना की थी, फैजी ने रजमनामा जिसे महाभारत का अनुवाद किया गया था फैजी ने किया था, ठीक है। तानसेन हो गया, इसके बाद देखिए बीरबल की बात करें तो बीरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास, ये चीज आपको ध्यान देना है। और दीन इलाही मानने वाला एकमात्र हिंदू था ये महेश दास, यानी बीरबल की मृत्यु यूसुफ जय विद्रोह में ये मारा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। टोडरमल था, टोडरमल वित्त विभाग से था, और इसी ने दहशाला बंदोबस्त जो कि 1580 में इसने स्टार्ट कराया था, जिसे हम टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक। अबुल फजल और अब्दुल लतीफ की बात करें तो ये दोनों आपके शिया मुसलमान थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। अबुल फजल की देखिए बात कर लेते हैं तो इसने अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों की रचना की थी, इसने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद भी किया था, अनवर सुहैली नाम से, चीज आपको ध्यान देना है। इसकी हत्या किसने की थी? 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने की थी, जो कि आपके ओरछा का राजा था, और किसके कहने पर की थी? सलीम जिसे हम जहांगीर कहते हैं उसी के कहने पर इसने इसकी हत्या की थी। आईने अकबरी में देखिए ये आईने अकबरी अबुल फजल की थी, और अबुल फजल ने आईने अकबरी में देखिए मनसब की 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है, वास्तव में लेकिन 33 श्रेणियां थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं, देखिए सूती वस्त्र को वाप्ता कहा जाता था, और रेशमी रेशमी वस्त्र को ताप्ता कहा जाता था, ये चीज आपको ध्यान देना है।
यूरोपीय सूफी वस्त्र को क्या कहा जाता था? कैलिको। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सैन्य अभियान की बात कर ले तो देखिए पानीपत का सेकेंड युद्ध नवंबर 1556 में होता है। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य होता है। ठीक है, अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ता है और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, अफगानों की सत्ता हमेशा के लिए इसके माध्यम से समाप्त हो जाती है क्योंकि इसमें अकबर जीत जाता है। अब देखिए ये आपके क्या है, ये कुछ विजय जो इसने प्राप्त की थी अकबर के शासनकाल में उनके, देखिए ईयर आपको ध्यान देना है। देखिए मालवा को 1561 में जीता था, जौनपुर को भी 1561 में जीता था, 1567 में मेवाड़ को जीतता है, 1569 में रणथंभौर, 1569 में कालिंजर को जीतता है, 1572 में गुजरात को जीतता है, और ये गुजरात की जीत के बाद ही बुलंद दरवाजा बनवाता है ये। इसको देखिए हल्दी घाटी की बात कर लेते हैं तो 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में होता है। महाराणा प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे, और अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ता है। महाराणा प्रताप का जो सेनापति होता है वो कौन होता है? हाकिम खान सूर होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1585-86 में, सिंध 1591 में, और खानदेश 1599 से 1601 के मध्य में। अब देखिए बात करते हैं तो देखिए गोंडवाना को भी 1561 में जीता था। ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ की रानी थी रानी दुर्गावती, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 1591 में देखिए अहमदनगर को भी जीता जाता है। यहाँ पर देखिए चांद बीबी शासिका थी, ये किसकी पत्नी थी? तो ये आदिल शाह फर्स्ट की पत्नी थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। अंतिम सैन्य शासक था इनका कौन सा? तो ये अंतिम सैन्य अभियान यानी कौन सा सैनिक अभियान था? तो ये असीरगढ़ का किला था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तानसेन की बात कर लेते हैं तो तानसेन जो है रामतनु पांडे था, ये ग्वालियर के रहने वाले थे और इन्हें उपाधि मिली थी वाड़ी विलास भंडारण की। अनुवाद विभाग स्थापित किया जाता है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और लीलावती और नल दमयंती का फारसी अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना। लीलावती एक गणित ग्रंथ था। प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, जो कि आपके अजमेर में बैठते थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना। सिख धर्म गुरु थे रामदास और अमरदास। रामदास के द्वारा ही अमृतसर जो शहर बसा उसे बनाया गया था। और ये किस जमीन पर बनता था? ये ध्यान देना है। अमरदास जो आपके सिख धर्म गुरु थे, इन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जिस पर रामदास ने ही बाद में अमृतसर शहर को स्थापित किया था। सुलह कुल नीति को इसने अपनाया था। शेख मुबारक ने इसे सुझाए थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, सुलह कुल नीति। इसको देखिए बात कर लेते हैं इबादत खाना की, जो कि 1575 में खोला गया था। ये पहले तो देखिए केवल मुसलमानों के लिए खोला गया था। देखिए इसमें हिंदू आपके कौन कौन से थे? पुरुषोत्तम और देवीलाल थे। आगे बात करते हैं तो पारसी में दस्तूर जी और मेहराड़ा थे, ईसाई में मासरेट और एक्वाविवा थे, जैन में हरिविजय सूरी और जिनसेन सूरी थे, दोनों इंपॉर्टेंट है। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। और देखिए जैन में आपके शांति चंद्र और विजय चंद्र भी शामिल थे। चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए मजहरनामा की बात करें तो ये आपके 1579 में शेख मुबारक के द्वारा लिखा गया था। विवाद की अंतिम व्याख्या अकबर करेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। इस मजहरनामा का मजहरनामा मतलब ये है, ये एक नीति थी। इस पे देखिए अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसमें कहा मजहरनामा में कहा गया था कि अकबर जो अंतिम फैसला लेंगे वही माना जाएगा। इसमें देखिए धर्म को नियंत्रित करने की बात कही गई थी। इसमें देखिए अकबर ने स्वयं को इंसान एक कामिल कहा था यानी सर्वश्रेष्ठ। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, दीन इलाही की बात कर लेते हैं। 1582 में जो कि एक नया धर्म था, ये चीज आपको ध्यान देना। इसे नौहीद इलाही भी कहते हैं। आईने अकबरी में इसकी चर्चा मिलती है। 12 सिद्धांत थे आईने अकबरी में और 22 लोगों ने इसे अपनाया था दीन इलाही धर्म को। इसमें ऐसा उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में, और जो हिंदू था वो बीरबल थे। चार चीजों के त्याग का उल्लेख इसमें कहा गया है, संपत्ति जीवन स्वाभिमान और समर्पण। व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाएगा, पूर्व में सिर होना चाहिए और पश्चिम में पैर होना चाहिए। देखिए आगे बात कर लेते हैं मनसबदारी प्रथा की। तो मनसब का मतलब होता है पद, मनसब जो कि आपका एक फारसी शब्द था। मनसबदारी प्रथा यह प्रशासन संबंधी थी। बाबर के समय अधिकारी को क्या कहा जाता था? वजहदार कहा जाता था। और हुमायूं ने 12 समूह बनाए थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसमें मूलतः मंगोल प्लस तैमूर परंपरा पर यह आधारित थी। कौन सी? मनसबदारी प्रथा। और ये दशमलव प्रणाली पर भी आधारित थी। सभी के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य किया गया था। इसमें मनसब रैंक की बात कर लेते हैं तो ये मनसब रैंक दो थे। एक तो आपका जात था जो कि वेतन आधारित था, और एक सवार था जो सैनिक आधारित था। ठीक है, शाहजहां ने 12 सिखों को 40,000 मनसब दिए थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वेतन अधिकारी की बात कर लेते हैं तो वेतन अधिकारी पहले वजीर था, वर्तमान में मीर ए बख्शी था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मीर ए बख्शी जो कि जिसे हम सेनापति भी कहते हैं। 10 से 100 तक मनसबदार थे जिसे हम नकद वेतन
देते थे और 100 से ज्यादा मनसब वाले को जागीर दी जाती थी। दहबस्ती नियम की बात करें, दहबस्ती नियम में सैनिकों को घोड़े देने के नियम की बात कही गई। मिनिमम घोड़े जो है आपके 20 होने चाहिए, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। और उसमें होता क्या था, मान लीजिए यहाँ पर आपके, क्या कहते हैं, 10 सैनिक है तो यहाँ पर 20 घोड़े लेकर जाया जाता था, बारी बारी में उन्हें आराम दिया जाता था और दूसरे घोड़े को यूज किया जाता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जहांगीर के समय में दो आसपा सियस्पा नीति को अपनाया गया था। इस पे क्या होता था कि पद सेम होंगे लेकिन घोड़े अधिक होंगे, ठीक है, यानी 10 अगर सैनिक है तो घोड़े उससे ज्यादा लिए जाएंगे, दुगना लगभग। शाहजहां के समय में मासिक वेतन देना स्टार्ट कर दिया गया था। औरंगजेब के समय में यशरूत जागीर ली जाती थी। यशरूत क्या था, तो ये आपका केवल काम के लिए जागीर को दी जाती थी। आर्थिक चीजें देख लेते हैं तो देखिए, आईने दहसाला ये आपकी एक भू राजस्व नीति थी, इसका फारसी नाम मालिया वाजिब था। 1577 में देखिए, एक अधिकारी थे आपके जिसे, जो कि आप जानते हैं, टोडरमल मुजफ्फर खान, दो अधिकारी थे। टोडरमल ने देखिए आईने आईने दहसाला पद्धति को अपनाया था। इसमें देखिए होता क्या था, आईने दहसाला में तो पिछले 10 वर्ष की जो भी उपज होती थी उसके एवरेज टैक्स का 1/3 टैक्स जो है दिया जाता था सरकार को, यानी आपके अकबर को दिया जाता था, राजा को, और इस पर देखिए दीवाने आला को अधिकारी बनाया गया था। मापक की बात कर लेखिए, अकबर ने इलाही गज का प्रयोग किया था। इलाही गज 33 इंच या फिर 41 अंगुल का होता था। भूमि के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं तो 4 प्रकार की उपज के आधार पर भूमि यहाँ पर वर्गीकृत थी। एक था पोलज, दूसरा परती, तीसरा चाचर, चौथा बंजर, ठीक है। पोपल का, पोलज का मतलब क्या था, एक साल के अंदर 2 से 3 फसलें उसमें यदि हो जाए। परती का मतलब था एक साल में 1 से 2 फसलें यदि होती हैं। चाचर की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 साल में एक फसल, और बंजर की बात कर लेते हैं तो 5 से 6 वर्ष में एक फसल होती थी, ठीक है। भू राजस्व की बात कर लेते हैं तो भू राजस्व आपका जप्ती प्रणाली से संबंधित था। इस पर देखिए कर 1/3 से 1/2 कर दिया गया था। इस पर देखिए जो दर तालिका थी, उस दर तालिका को रही कहा जाता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भू राजस्व में देखिए यहाँ पर 18 परगने थे और प्रत्येक परगने में से 1 करोड़ी अधिकारी था, ठीक है। सरकार में अधिकारी कौन था, तो ये अमल गुजार थे, चीज भी आपको ध्यान देना। भू राजस्व की 3 प्रणालियां थी, एक था गल्ला बख्शी, दूसरा कनकूत, तीसरा जाब्ती। गल्ला बख्शी जो था उसको देखिए बटाई प्रणाली पर था। बटाई प्रणाली भी 3 प्रकार की थी, खेत बटाई या लाख पर बटाई या फिर रास बटाई। खेत बटाई में खेतों को बांट दिया था, लाख बटाई में जब जिससे अनाज होता है उसी को, मतलब बिना अलग केवल लाख को बांट दिया जाता था। और उसके बाद जब अगर उसके बाद रास बटाई में क्या हो जाता था, जब अनाज हो जाता था उसे नाप तोल कर बाद में बराबर बांट दिया जाता था, ठीक है। कनकूत या अनुमान से आपके, क्या कहते हैं, बटाई होती थी। इसमें जाप्ती में क्या था, ये मापक के आधार पर होती थी। किसान वर्ग की बात कर ले तो किसान आपके 3 प्रकार के थे, खुदकाश्त, पाहिकास्त और मुजरियान। खुदकाश्त जो होते थे ये स्वयं खेती करते थे, पाहिकास्त जो होते थे ये दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, और मुजरियान क्या थे, ये बटाई का काम करते थे, यानी बटाईदार होते थे। सिंचाई की बात कर लेते हैं तो सिंचाई ये राहत या अर्घट प्रणाली पर आधारित थी, चीज आपको ध्यान देना है। फसल की बात कर लेते हैं तो फसल देखिए रबी फसल थी और खरीफ फसल थी। रबी फसल में 17 फसलें थी, इंपॉर्टेंट है, खरीफ में 26 फसलें थी, ये चीज आपको ध्यान देना, यानी खरीफ की फसलें ज्यादा थी। मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं और चावल थी। नगदी फसल में देखिए कपास और नील थी। नील भी आपकी, नील के जो है दो आपके प्लांट लगे हुए थे, एक बनाना भरतपुर में लगा था और दूसरा सरखेज अहमदाबाद में लगा था। यहाँ पर देखिए मक्का की जानकारी नहीं मिलती है, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। व्यापारिक केंद्र की बात कर लेते हैं तो देखिए काबुल हो गया, कंधार, मुल्तान, लाहौर और बुरहानपुर थे। मुख्य व्यापार की बात कर लेते हैं तो वस्त्र उद्योग था और इससे संबंधित क्षेत्र यूपी, गुजरात, राजस्थान और दक्कन का क्षेत्र था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। बंदरगाह की बात कर लेते हैं तो ये आपको ध्यान देना है, सिंध में आपका लाहौरी बंदरगाह था, गुजरात में भड़ौच हो गया, खंभात हो गया, पाटन हो गया, महाराष्ट्र में रत्नागिरी भटकर हो गया, बंगाल में आपको सोनार हो गया, केरला में कोचीन और कालीकट हो गया। जो क्या कहते हैं अकबर के समय में इम्पोर्ट जो चीजें की जाती थी वो देखिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तांबा हो गया, हाथीदांत हो गया, घोड़ा हो गया, कच्चा रेशम, शीशा, शराब, कालीन, इत्र, ये सब चीजें इंपोर्ट की जाती थी। एक्सपोर्ट यानी जो हम दूसरे देशों को बेचते थे वो नील हो गया, मसाला, कपड़ा, सोरा, मलमल जिसे हम, ढाका प्रसिद्ध था, ये तीन सब चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी यहाँ से निर्यात करते हैं। मापन की बात कर लेते हैं देखिए अनाज के लिए मन का प्रयोग किया जाता था, आप वर्तमान में भी सुनते हैं, 1 मन बराबर 40 शेर होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। गोवा में ही इस मन को ही हम
टैंडी कहते हैं, ठीक है, जो कि 500 पाउंड के बराबर होता था। लंबाई का मापक यहाँ पर था इलाही का। जो लंबाई के मापक को देखिए दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, कोबाड़ कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब मुद्रा प्रणाली की बात करें तो कि मुद्रा प्रणाली में टकसाल, आपके जो टकसाल के बारे में आईने अकबरे में उल्लेख मिलता है। आईने अकबरे में बताया गया है सोने की 4 टकसाल थी, सिल्वर की 14 टकसाल थी, तांबा की 42 टकसाल थी। आपके टकसाल से संबंधित है, दिल्ली में एक शाही टकसाल बनाए गए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसका अधिकारी आपके अब्दुल समद था। ठीक, स्वर्ण सिक्के जो है आपके संसब नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, जो कि आपके सबसे बड़ा सिक्का था ये। ठीक, इसके देखिए स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो देखिए अटमा, निषद और चुगल ये सिक्के थे। सिल्वर कॉइन जलाली और इलाही थे, ये चीज आपको ध्यान देना है, जलाली और इलाली। तांबे का ये सिक्का था जिसे हम दाम कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। सिक्कों के प्रमाण की बात करें, एक तरफ इसमें देखिए 3 प्रकार के सिक्के मुख्यतः उल्लेख मिलता है। इन सिक्कों में देखिए एक तरफ अकबर की मूर्ति थी और दूसरी तरफ सूर्य की मूर्ति थी। और जो दूसरे प्रकार के सिक्के थे इसमें देखिए एक तरफ राम और सीता के चित्र थे और दूसरी तरफ उर्दू में इनायतें जो है इसमें लिखी हुई थी। और तीसरे में देखिए स्वास्तिक चिन्ह का भी उल्लेख मिलता है। अब देखिए अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था, ये चीज आपको ध्यान देना, इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। राष्ट्रंगणी का अनुवाद किसने किया था, मोहम्मद सहबादी ने किया था, ये चीज आपको ध्यान देना। दहशाला पद्धति की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे हम आईने दहशाला भी कहते हैं, जो कि भू राजस्व व्यवस्था है और ये राजा टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी। 1580 में स्टार्ट होती है, विकसित की चीज दबजबती से, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राजा भारमल की बात कर लेते हैं, आमेर के शासक थे। 1562 में ही इन्होंने अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी जोधाबाई की शादी इन्होंने अकबर से कर दी थी। जोधाबाई के माध्यम से ही जहांगीर पुत्र होता है इनका। ठीक है, राजा भारमल की बात करें, देखिए पुत्र इनके थे भगवान दास और पौत्र कौन थे, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जो है आप जोधाबाई को बुआ मानते थे, ठीक है, बुआ का रिश्ता लगता था, ये चीज आपको ध्यान देना है। भगवान दास और मान सिंह दोनों उच्च पदों पर अकबर के दरबार में उपस्थित रहते थे। अकबर के सामने देखिए समर्पण न करने वाले एक राजपूत शासक था, कौन था, सिसोदिया राजपूत। तो इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। अकबर ने जो है काबुल की सूबेदारी किसे दी थी, तो बख्तुनिस बेगम को दी थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। दीवान का पूर्ण रूपे दर्जा प्राप्त करने वाला कौन था, मुजफ्फर खां तुर्बती था। सिंहासन बत्तीसी का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का। अकबर साम्राज्य में कितने सूबे थे, तो 15 सूबे थे। बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो 1576 में मिलाया गया था। राजधानी आगरा से आपकी फतेहपुर सीकरी कब आती है, 1571 में आ जाती है, चीज भी आपको ध्यान देना है। संत विट्ठलनाथ कौन थे, तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के ये संत थे। इन्होंने देखिए गोकुल जैतपुर की जागीर इन्हें दी गई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। दक्कन में भू राजस्व वसूली का आधार क्या था, तो हलों की संख्या इंपॉर्टेंट है लाइन, यानी दक्षिण में जो भी भू राजस्व लिया जाता था वो हलों की संख्या के आधार पर लिया जाता था। दीवान अशरफ पद 1582 में बनता है, टोडरमल के द्वारा बनता है। प्रसिद्ध चित्रकार तो देखिए दसवंत और बसावंत है, दसवंत नहीं, दसवंत को ही हम टकसाल अधिकारी भी जानते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। अकबर को फतवा जारी हुआ था कहाँ से, जौनपुर से, और जौनपुर में जो मुल्ला था वो कौन था, एजदी, ये चीज आपको ध्यान देना है। जरी कलाम उपाधि किसे दी गई थी, मोहम्मद हुसैन को दी गई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस कौन करता है, तो अबुल फजल अपनी किताब में अमेरिका की खोज का उल्लेख करता है। दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन कौन करता है, तो सैयद अली तलेरजी करते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। मुल्तान का दीवान नियुक्त किया जाता है किसे, अब्दुल समद को, ये चीज पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। अकबर के समकालीन कौन था, तो सूरदास था। कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पंचमहल का जो इमारत है उसका जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह ही है। दरबार में देखिए आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिंच था 1588 में, ये चीज आपको ध्यान देना है। पहला यूरोपीय यात्री की बात करें, देखिए एंथनी मोनसोरेट था, जिसके आपका 1578 से 82 के मध्य में ये यूरोपीय यात्री आता है भारत। अकबर किन चिश्ती दरगाह में जाता था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जो है वहां जाता था। ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति कहाँ कहाँ दी गई थी, आगरा और लाहौर में दी गई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इस पे देखिए हमने अकबर के बारे में पूरी जानकारी को अच्छे से देख लिया है। बाकी आप एक दो बार वीडियो देख लीजिए, या पर्सनल नोट्स भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बाकी आपको उसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका टेलीग्राम लिंक है उस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।